जी कौन अकेडमी स्टूडेंट अब हम शुरू करेंगे अपने टेस्ट सिक्स को तो सबसे पहला सवाल हमारे पास इधर आ जाता है क्या कनेक्टेड टू वोल्ट वोल्ट ऑफ हैज़ करंट आई यानी कि जब एक को मैंने ए सी सोर्स के साथ लगाया ठीक है ये ए सी सोर्स था तो इसमें करंट आई वन फ्लो कर रहा था तो सवाल ये है कि जब मैं उसे डी सी सोर्स के साथ लगाता हूँ यानी कि ये डी सी सोर्स है तो इसमें करंट आई टू है तो अगर दोनों की पोटेंशियल 100 वोल्ट 100 वोल्ट है तो I1 ज़्यादा होगा या I2? तो इसका आंसर है कि I2 टू विल बी मोर देन आई क्योंकि I1 के केस में करंट चेंज होगा चेंज इन करंट की वजह से सेल्फ इंडक्शन होगी और सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा और इंड्यूस करंट फिर ओरिजिनल करंट को अपोज करेगा उस वजह से ओरिजिनल करंट कम हो जाएगा तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से जब ए पास करेंगे तो कम होगा और जब डीसी पास करेंगे तो ज्यादा होगा तो आई टू विल बी मोर देन आई वन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट सवाल है कि मेटल रिंग ऑफ एरिया फोर मीटर स्क्वेयर इज हेल्ड सच दैट इट्स एक्स एक्सेस इज डायरेक्टेड टू पॉजिटिव बाई एक्सेस तो अगर ये एक एरिया है ठीक है ये है जी या इसको इस तरह कर लेते हैं चलें कि ये आपका x एकस y एक्सेस है ठीक एकस है ये x एक्सेस है ये y एक्सेस है तो हमने एक रिंग को ऐसे रखा हुआ है कि उसका एक्सेस जो है वो y पे यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका जो वेक्टर एरिया है वो इक्वल है 4j के क्योंकि y एक्सिस में 4j होता है अब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बोली हुई है कितनी है थ्री आई प्लस फोर जे और हमें कहा है कि फ्लक्स फाइंड करें तो फ्लक्स इक्वल होता है बी ए बी डॉट ए के बी यहाँ पर है हमारे पास थ्री आई प्लस फोर जे और ए है हमारे पास फोर जे ये आई जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और फोर फोर के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्सटीन वेबर जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट सवाल है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज सराउंडेड बाय तो स्टूडेंट्स जब एक चार्ज रेस्ट पे होता है तो रेस्ट चार्ज दो फील्ड से सराउंड होता है एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक जब आपके पास मूविंग चार्ज लिखा हो और सॉरी इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल यहां पे थोड़ा सा मैं गलत हो गया था ग्रेविटेशनल मूविंग चार्ज जब लिखा हो तो मूविंग चार्ज दो फील्ड से सराउंडेड होता है इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी और साथ ग्रेविटेशनल भी क्योंकि ग्रेविटेशनल मैस की वजह से होती है और हर चार्ज का मैस होता है तो हर चार्ज के पास ग्रेविटेशनल फील्ड होती होती है फाइनली अगर आपसे पूछा हो कि एक्सेलरेटिंग चार्ज तो एक्सेलरेटिंग चार्ज स्टूडेंट चार फील्ड से सराउंडेड होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल तो अगर आपसे बोलें कि मूविंग चार्ज कितनी फील्ड से सराउंडेड है तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि थ्री फील्ड ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो पहला है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्ट ऑन स्टेशनरी चार्ज अच्छा अब ये सवाल इस तरह से स्टूडेंट्स कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लें ठीक है और आप रेस्टिंग चार्ज रख दें चाहे पॉजिटिव रख दें चाहे नेगेटिव मैं पॉजिटिव रख देता हूँ तो देखिए पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी अब इसके पास अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज मूविंग भी लाएं तो वो मूविंग चार्ज आएगा और नेगेटिव की तरफ बैंड होगा यानी कि मूविंग चार्ज पर भी फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन बोथ मूविंग पे भी और स्टेशनरी पे भी जबकि अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्स की तो मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन में आता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी यानी कि अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो फोर्स भी क्या होगी जीरो होगी तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स ओनली एक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज वो स्टेशनरी चार्ज पे एक्ट नहीं करती ठीक है तो ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्ट्स ऑन स्टेशनरी चार्ज नहीं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑनली एक्स ऑन मूविंग चार्ज नहीं मैग्नेटिक फील्ड ऑनली एक्स ऑन मूविंग चार्ज ये बात ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन आइडियल करंट कैरिंग सोलनवाइड तो स्टूडेंट्स आइडियल सोलनवाइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल सोलनवाइड की स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं सबसे पहले यह होती है कि उसकी लेंथ जो है वो इसके रेडियस से बहुत ज्यादा होती है यानी कि इस तरह का एक सोलिनॉइड होता है देखिये अगर आप इसकी लेंथ देखें तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसका रेडियस देखें तो बहुत छोटा है यानी कि लेंथ इज वेरी मच लार्जर देन रेडियस मजीद आपको यह पता होना चाहिए कि इनसाइड सोलिनोइड फील्ड यूनिफॉर्म होती है और साउथ से नॉर्थ जारी होती है और आइडियल सोलिनॉइड के, के केस में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है तो अब इन सारी बातों को लेके चलें तो इट्स रेडियस इज मोर देन इट्स लेंथ ये बात गलत है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज जीरो इनसाइड इज यूनिफॉर्म इनसाइड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ये सारी बातें ठीक है सिर्फ ये पहली जो है ये गलत है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जी मैंने चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलरलीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ चेंज इन इट्स तो स्टूडेंट इस तरह होता है कि अगर चार्ज एक पर फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो वो सर्कल में घूमता है यानी कि ये जो फोर्स है क्यू वी बी साइंथीटा यह एक्चुअली में कौन सी फोर्स है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ क्या चेंज कर सकती है डायरेक्शन तो ऐसी चीजें जो कि डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज होती हैं ये उनको चेंज करेगा लेकिन जो चीज़ें मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से चेंज होती है उनको चेंज नहीं कर सकेगा तो देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को नहीं चेंज कर सकेगा क्यों क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन नहीं होता मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को नहीं चेंज कर सकेगा क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का भी डायरेक्शन नहीं होता ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर सकता है क्योंकि ये क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जी कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर विच इज इक्वल टू तो स्टूडेंट्स वन वेबर इक्वल होता है वन टेस्ला मीटर स्क्वेयर के वन टेस्ला इक्वल होता है वन न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के तो ये जब मैं इधर डाल दूंगा तो ये हो जाएगा वन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर एम्पेयर मीटर ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा वन न्यूटन मीटर पर एम्पेयर ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर्स पर इनटू इंटू द मैग्नेटिक फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी विच वन विल हैव मोर रेडियस ऑफ रोटेशन तो स्टूडेंट साइक्लोट्रॉन के an so, रेडियस की अगर मैं बात करूं तो उसकी तीन इक्वेजन्स हैं हमारे पास सबसे पहली है आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी दूसरी है आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी और तीसरी इक्वेजन है आर इज इक्वल टू टू एम के ई बाई क्यू बी अब यहाँ पर हमें वो वाली इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हुआ हो तो आर इज़ इक्वल टू अंडर रूट टू एम के ई बाई क्यू बी यहाँ पर के ई जो है वो कॉन्स्टेंट है चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है तो आर और एम का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा यानी कि जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट सवाल है कि अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स सेंटर पर पेंडिकुलर इंटू मैग्नेटिक फील्ड विद सेम मोमेंटम तो अब हम मोमेंटम वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगी पी बाई क्यू भी यहाँ पर मोमेंटम जो है दोनों का सेम है तो आर और क्यू का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा अब प्रोटॉन का चार्ज जो है वो कम होता है क्योंकि प्रोटॉन का प्लस वन होता है अल्फ़ा पार्टिकल का प्लस टू होता है तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर तो इसका भी ऑप्शन आ जाएगा ए प्रोटॉन नेक्स्ट सवाल है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह आ रही है यह आपकी बी का डायरेक्शन हो गया फिर इस डायरेक्शन में आप फिंगर्स कर लें क्योंकि रूल हमें कहता है कि फिंगर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगी फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है साउथ टू नॉर्थ यानी कि इस तरह से तो इधर आप अपना थम कर लें ठीक है तो और किस हैंड का लेफ्ट का क्योंकि क्या है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जब आप इस तरह करेंगे तो आपको जो पाम होगी आपकी आप लोग अभी करके देख लें पाम आपकी आउटवर्ड्स फेस कर रही होगी तो फोर्स किस तरफ लगेगी वर्टिकली अपवर्ड्स ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट सवाल है कि चार्ज इन अ फील्ड ओनली एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स वेन इट इज इन मोशन दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक दैट द चार्ज इज इन तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी पे भी एक्ट करती है और मूविंग पे भी एक्ट करती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे एक्ट करती है तो अगर चार्ज पे सिर्फ तब फोर्स लग रही है जब वो मोशन में है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती वो क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी और ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट सवाल है कि आई हाइड्रोजन एटम दैट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ईस्ट इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ है इस तरह सॉरी साउथ टू नॉर्थ का मतलब हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस तरफ आपने अपनी फिंगर्स कर लेनी है अब लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम दैट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन तो जब हाइड्रोजन एटम लॉस कर देगा तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा तो पॉजिटिव आइन है वो मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ यानी इस तरफ तो इस डायरेक्शन में आप अपना थम कर लेंगे और कौन से हैंड का राइट right हैंड का तो राइट right हैंड की जब आप फिंगर्स इस तरह करेंगे थम को राइट right साइड पे करेंगे तो आपकी जो पाम है वो फेस कर रही होगी अपवर्ड्स तो अपवर्ड्स का मतलब हुआ अप ऑप्शन नंबर ए करके देख लें आप लोग अपना राइट हैंड फिंगर्स को अपवर्ड करें थम को राइट right साइड पे करें तो पाम अपवर्ड्स होगी पाम आपको क्या बताएगी फोर्स बताएगी नेक्स्ट सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि पॉजिटिव चार्ज एंटर्स इंटू अ स्पेस कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है ठीक है ये वेस्ट है आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है ना ये वेस्ट होता है ये ईस्ट होता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहा है अब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है ये लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन लो वेलोसिटी से आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है टू वर्ड साउथ चला जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह आ जाता है जब उसकी वेलोसिटी लो होती है लेकिन जब वो हाई वेलोसिटी से आता है तो वो अपवर्ड जाता है अच्छा अब इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हाई वेलोसिटी पे कम एक्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्ट करती है तो ये अपवर्ड जा रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स और डाउनवर्ड आ रहा है ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है यहाँ पर आपका नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स उसको अगर ऊपर बैंड कर रही है तो अगर आप अपने रूल अप्लाई करें आप अपने थम को जो है वो इस तरफ पॉइंट करें आप अपनी जो पाम है उसे अपवर्ड्स पॉइंट करें ठीक है पाम को ऊपर करें हमको इधर करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो जा रही हैं पेज के इनवर्ड तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है डाउनवर्ड जा रही है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक बार सारे लोग करके देख लें लेफ्ट हैंड अप्लाई करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ठीक तो है तो इलेक्ट्रॉन की फील्ड अगर इनवर्ड है इलेक्ट्रॉन खुद ईस की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स सॉरी नीचे लगेगी तो हमने ऊपर लगानी है हमने ऊपर लगानी है स्टूडेंट्स ठीक तो है तो फिंगर्स जो हैं वो आपकी क्या करेंगी पाम आपकी अपवर्ड गई इलेक्ट्रॉन इधर हो गया तो फीड फिंगर्स आपकी आउटवर्ड्स पॉइंट कर रही हैं सॉरी डाउनवर्ड नहीं पॉइंट कर रही आउटवर्ड कर रही हैं तो आउटवर्ड पॉइंट करने का मतलब है बी सी अपवर्ड्स नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस कॉन्सेंट ई एफ ये सब अच्छा ये आपका जो सवाल है फेरेडे लॉ से आया हुआ है फेरेडे लॉ ये कहता है स्टूडेंट्स के जो चेंज इन फ्लक्स है सॉरी जो ई बन रही है वो इक्वल है चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम के तो अगर स्टूडेंट्स आपका फ्लक्स का चेंज कांस्टेंट हुआ यानी कि आपका फ्लक्स कांस्टेंटली चेंज हो रहा है तो चेंज इन फ्लक्स जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा और अगर चेंज इन फ्लक्स कॉन्स्टेंट होगा तो ई भी आपके पास कॉन्स्टेंट बनेगी तो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस प्रोड्यूसिकील्डेंट यह बात ठीक है मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस बात गलत है क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड फील्डेंट हुई तो ईएमएफ बनेगी नहीं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज प्रोड्यूस चेंजिंग ई तो यह बात गलत है क्योंकि ऑलवेज नहीं होगा कभी कॉन्स्टेंट भी प्रोड्यूस कर सकती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस ई तो यह वाली बात भी गलत है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है जी इंड्यूस इन इंडिया रिंग कैन बी बाय तो स्टूडेंट्स अगर ये एक रिंग है आपके पास ठीक है और आप इंड्यूस इंड बनाना चाहते हैं पर आपके पास मैग्नेट है तो अगर आप मैग्नेट को करीब लाएंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा अगर आप रिंग को करीब या दूर करेंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा और अगर आप रिंग को रोटेट करेंगे तो एरिया की चेंज की वजह से फिर भी फ्लक्स चेंज होगा तो ये तीनों तरीके हैं फ्लक्स चेंज करने के और इन सब से क्या बनेगी ईएमएफ बनेगी तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है जी कि कंसिडर अ कंडक्टिंग लूप इज प्लेसड इन फ्रंट ऑफ अ मैग्नेट इफ दिस लूप इज मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट तो क्या होगा अच्छा देखिए स्टूडेंट इस तरह होता है कि अगर ये मैग्नेट है यहां पर आपका लूप पड़ा हुआ है यहां पे समझिए फ्लक्स जीरो पास हो रहा है मतलब कोई लाइन्स पास नहीं हो रही या इस तरह कर ले चले कि यहां पर टेन लाइन्स पास हो रही हैं जब आप इसको दूर करेंगे तो इसमें से फाइव लाइन्स पास होने लग जाएंगी और जब आप करीब करेंगे तो इसमें से 15 लाइन्स पास होने लग जाएंगी। अब अगर आप यहां पे फ्लक्स का चेंज निकालें तो वो 5 है क्योंकि 15 माइनस टेन फाइव और यहां पर अगर आप फ्लक्स का चेंज निकालें तो वो भी 5 है क्योंकि 10 माइनस फाइव फाइव तो इन दोनों केसेस में इक्वल ई एम बनेगी ऐसा नहीं होता कि फ्लक्स ज्यादा होने से ई ज्यादा होती है और फ्लक्स कम होने से ई कम होती है अगर फ्लक्स कम भी हो रहा है तो हमें चेंज देखना है कि कितना कम हो रहा है और उस हिसाब से ईएमएफ बनती है जो चाहे आप कंडक्टिंग लूप को करीब लाएं या चाहे दूर लाएं, ईएमएफ विल इंक्रीज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है जी के अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ इंड्यूस करंट विल अपोज तो इसका आंसर है चेंज इन फ्लक्स ठीक है वो चेंज को अपोज करता है जो कॉज फ्लक्स को चेंज कर रही होती है उसे अपोज करता है क्योंकि लेट से अगर मैं कहूं कि ये मैग्नेट पड़ा हुआ है आपके पास नॉर्थ पोल है साउथ पोल है और यहां पर एक वायर पड़ी हुई क्वाइल पड़ा हुआ है तो लेंजेस लॉ तो इसको कुछ भी नहीं कहेगा इसमें से आराम से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा कोई मसला नहीं होगा लेकिन जब आप इसे पास करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा और चेंज को अपोज करता है क्या करंट तो लेंजेस लॉ ये बात करता है ठीक हो गया नेक्स्ट सवाल है कि टू करंट कैरिंग coils A एंड B आर facing ईच other. बोथ द coils आर कैरिड इन द clockwise direction. डायरेक्शन ठीक है सिंपल क्या है स्टूडेंट्स के हमारे पास दो क्वाइल हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्वाइल्स क्लॉक वाइज कर रही हूँ कि एंटी क्लॉक वाइज कर रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता मैं कहता हूँ ये दोनों क्वाइल्स हैं ये इस तरह है और ये वाला क्वाइल है ये भी इस तरह है दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं यानी कि दोनों इस तरह से कर रहे हैं तो जब हम स्टूडेंट्स इसका पोल्स फाइंड करेंगे तो राइट हैंड रूल से तो हमें पता चलेगा ये इसका नॉर्थ पोल है ये इसका साउथ है और इस क्वाइल का ये नॉर्थ है और ये साउथ है ठीक है तो जब हम इन्हें दूर करेंगे ठीक है तो क्या होगा कि ये दूर होना चाहेंगे तो लेंजेस लॉ के मुताबिक ये अपोज करेंगे अपोज करने के लिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे अट्रैक्ट करने के लिए ये अपना साउथ पोल स्ट्रांग करना चाहेगा और ये अपना नॉर्थ पोल स्ट्रांग करना चाहेगा और दोनों पोल्स को स्ट्रांग करने के लिए करंट को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोल्स बनेंगे तो करंट विल इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन ताकि क्या हो दोनों के पोल्स स्ट्रांग हो तो इसका आंसर हो जाएगा कि करंट विल इंक्रीज इन बोथ क्वाल ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट सवाल है कि अ इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ हंड्रेड वोल्ट एंड अ करंट ऑफ टेन एमपेयर फ्लो इट अच्छा ये सवाल दूसरे अल्फाज में रिपीट हो गया सवाल ये है कि अगर मैं एक सोलेनोइड को पहले डीसी में कनेक्ट करता हूँ ठीक है ये डीसी में कनेक्ट हुआ हुआ है और इसमें से 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो जब इसी सोलिनोइड को मैं कनेक्ट करूंगा ए सी में तो अब कितना होगा तो ए सी सर्किट में क्या होगा स्टूडेंट्स के ए सी सर्किट में सेल्फ इंडक्शन होगी और सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो टोटल करंट है वो क्या करेगा रिड्यूस करेगा क्योंकि सेल्फ इंडक्शन वाला करंट ओरिजिनल करंट को अपोज करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन टेन एम ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट सवाल है हमारे पास लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन तो स्टूडेंट लेंजेस लॉ की कंडीशन है कि इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ क्लूज टू क्योंकि ओपन सर्किट अगर हुआ तो ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है और करंट जीरो होता है तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अ ओपन सर्किट और वायर इज ओनली एग्जाम्पल ऑफ

फ्लक्स इक्वल हो जाएगा बी डेल्टा ए बाई टी यहाँ पर बी हमें दिया हुआ है जीरो पॉइंट फाइव और एरिया पर यूनिट टाइम हमें दिया हुआ है फाइव तो ये हो जाएगा हमारे पास टू पॉइंट फाइव जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट सवाल है कि ई एम एफ प्रोड्यूस इन ए सी जनरेटर डिपेंड्स अपॉन तो स्टूडेंट्स ई एम एफ इन ए सी जनरेटर इज इक्वल टू माइनस एन ओमेगा ए बी तो यहाँ से अगर हम देखें तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्नस पे भी डिपेंड कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है जी के मैना क्वाइल ऑफ इसी जनरेटर इन सच अ स्टैटिक पोजिशन दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ तो स्टूडेंट यहां से ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि स्टैटिक पोजिशन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ये है साउथ किसी भी डायरेक्शन में हो और क्वाइल भी किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन अगर क्वाइल स्टैटिक होगा तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा और अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा तो कोई ई नहीं बनेगी तो ई भी क्या होगी जीरो होगी तो इसका आंसर होगा कि करंट इन द द्वारल जीरो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट सवाल है कि क्वाइल ऑफ इज जनरेटर इज रोटेटिंग एट अ अस्टेंट एंगुलर विलॉसिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग ई तो अगर स्टूडेंट्स वो कॉन्स्टेंट विलॉसिटी से रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि चेंज इन फ्लक्स भी जो है वो आपका क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा और अगर चेंज इन फ्लक्स आपका कांस्टेंट होगा तो उसकी वजह से जो बनने वाली ईएमएफ है वो भी क्या होगी कांस्टेंट होगी तो इसका आंसर होगा कि एज अ इज मूविंग विद कांस्टेंट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी देयर विल बी ईएमएफ तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि क्वाइल ऑफ एसी जनरेटर इज रोटेटिंग एट फिफ्टी रेवल्यूशन पर सेकेंड यानी कि ओमेगा हमें दिया हुआ है आरपीएम ठीक है बल्ब इज कनेक्टेड टू इट्स आउटपुट सप्लाई ऑफ दिस जनरेटर विल रीच इट्स मैक्ममें अच्छा जब रोटेट एक राउंड होता है ना स्टूडेंट्स ठीक है अच्छा ये यह RPM, RPS है पर सेकेंड एक राउंड जब वो कंप्लीट करता है तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेव बनती है इसी की यानी कि अगर क्वाइल जो है वो वन टर्न कंप्लीट करेगा तो एक वेव बनेगी यानी कि इस तरह से और एक वेव में बल्ब टू टाइम्स अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस को पहुंचता है अब यहां पर लिखा हुआ है कि वो रोटेट कर रहा है पर यानी कि क्या हो रहा है फिफ्टी वेव्स बन रही हैं इन वन सेकेंड एक वेव में अगर वो टू टाइम्स ग्लो करता था तो फिफ्टी वेव्स में वो फिर बल्ब हंड्रेड टाइम्स अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे पहुंचेगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है जी तो के ऐसा यूनिट ऑफ तो स्टूडेंट्स चाहे आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस हो अच्छा क्या मैं बता रहा था म्यूचुअल हो चाहे या चाहे आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस हो दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हेनरी है ठीक है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी नेक्स्ट सवाल है कि क्वाइल ऑफ एसी जनरेटर इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड कंप्लीट्स हाफ रोटेशन देन नेट करंट इन द सर्किट एट दिस पॉइंट इज स्टूडेंट जनरेटर के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन और आफ्टर 270 डिग्री रोटेशन चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम होता है और उस वजह से बनने वाली ई मैक्सिमम होती है लेकिन आफ्टर वन एटी डिग्री रोटेशन या आफ्टर थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेशन जो चेंज इन फ्लक्स होता है वो जीरो होता है इस वजह से ई एम एफ भी क्या होती है जीरो होती है तो इसका आंसर हो जाएगा बी जीरो अच्छा जी नेक्स्ट सवाल है कि ना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आउटपुट फ्रीक्वेंसी तो देखिए स्टूडेंट्स स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या फर्क होता है तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या फर्क होता है स्टेप अप में आपके पास जो सेकेंडरी के टर्न होते हैं वो ज्यादा होते हैं इस वजह से सेकेंडरी का जो पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होता है प्राइमरी के पोटेंशियल से करंट ऑफ सेकेंडरी कम होता है प्राइमरी से पावर ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल इक्वल होते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी क्वाइल इक्वल होते हैं स्टेप डाउन में क्या हो जाता है कि सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से कम हो जाते हैं इसलिए सेकेंडरी का पोटेंशियल भी प्राइमरी से कम हो जाता है सेकेंडरी करंट प्राइमरी से ज्यादा हो जाता है पावर जो है वो इसमें भी सेम रहती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो इसमें भी सेम रहती है तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉरी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और यहां पर क्योंकि हमसे फ्रीक्वेंसी का पूछा हुआ है तो इट इज इक्वल टू इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है जी क्या ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन देखिए स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा एम डेल्टा आई बाई टी यानी कि चेंज इन करंट होगा तो आपके पास ई एम एफ बनेगी अब ए सी की अगर मैं बात करूँ तो ए सी की वेव होती है उसमें करंट चेंज हो रहा होता है करंट चेंज होगा तो ई एम एफ बनेगी इसी तरह अगर मैं पल्सेटिंग डी सी की बात करूँ तो ये 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 इस तरह करके ये भी चेंज हो रहा होता है तो इससे भी ई एम एफ बनती है लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंट डी सी की बात करूँ तो डी सी में ई एम एफ क्या होती है नहीं बन सकती क्योंकि चेंज इन करण नहीं होता तो इसका आंसर हो जाएगा कि डीसी में नहीं काम करेगा बाकी ए और बी इन दोनों में काम करेगा नेक्स्ट है जी व्हेन वेन अवर चार्ज इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री तो इट विल मूव इन तो स्टूडेंट्स याद रखें आप लोग कि जब भी चार्ज इंटर करेगा एट 90 डिग्री ठीक है तो चार्ज इंटर करके उसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो मैक्सिमम होगी क्यू वी बी के इक्वल होगी और उसका जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर जब भी पा चार्ज इंटर करेगा एट जीरो डिग्री या वन एटी डिग्री तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो होगी जीरो यानी कि जीरो और उसका जो पाथ होगा क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही वो क्या हो जाएगा स्ट्रेट और अगर इसके अलावा किसी भी और एंगल पे एंटर करता है एट एनी अदर एंगल तो उस पर लगने वाली फोर्स इक्वल होती है क्यू वी बी साइन के ठीक है और इसका जो पाथ होगा वो होगा हेलिकल यानी कि चार्ज ऐसे एंटर करके और ऐसे निकल जाएगा तो यहां पर हमें बोला है एट 60 डिग्री तो या ये 90 है ना ये 180 है तो एट एनी अदर एंगल पाथ विल बी हेलिकल तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है जी के इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर इंटू द सेम मैग्नेटिक फील्ड देन दे आर एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस दैट आर अच्छा जी देखिए स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स अच्छा सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होती है क्यू वी बी के ये मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है तो अगर मैं देखूं तो दोनों का चार्ज भी सेम है वेलोसिटी भी इन्होंने कहा हुआ है कि सेम है और बी भी सेम है तो फोर्स का मैग्नीच्यूड जो है वो तो सेम होगा दोनों के लिए लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए स्टूडेंट्स तो डायरेक्शन के लिए प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए हम राइट हैंड यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो दोनों के ऊपर जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो यानी कि दोनों फोर्सेज आर एंटी पैरल टू ईच अदर तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है जी कि एम्पेयर्स लॉ इज टू एक्सप्लेन तो स्टूडेंट्स दो लॉस होते हैं हमारे पास एक हमारे पास एम्पेयर्स लॉ है दूसरा जो है वो हमारे पास फेरडे लॉ है और तीसरा हमारे पास कूलम्स लॉ भी है वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फनोमना को एक्सप्लेन करता है फोर्स बिटवीन चार्जेस एम्पेयर लॉ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करता है ठीक है वो ये कहता है कि बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई

इक्वेशन है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पा आर इस हिसाब से अगर हम देखें तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i यानी कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन साइड अ वायर नेक्स्ट है हाई मैग्नीट्यूड करंट विल पास थ्रू अ स्लिंगी सोलेनाइड इट विल देखिए स्टूडेंट्स अब हमें इतना पता होना चाहिए कि जब दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगी तो जब हम इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो यहाँ से इनवर्ड जाएगी यहाँ से आउटवर्ड आएगी इसी तरह इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से इनवर्ड यहाँ से आउटवर्ड सेंटर में ये कैंसिल हो जाएगी और इस वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी जो कि इन दो वायर्स को क्या करेगी अट्रैक्ट करवाएगी इसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि दो वायर्स हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहां से इनवर्ड यहां से आउटवर्ड दूसरी वाले की सेंटर में इनवर्ड यहां से आउटवर्ड सेंटर में फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी और स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेंगे ठीक है तो ये वाली दो वायर से ट्रैक्ट अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी हो तो अट्रैक्ट होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी हो तो रिपेल होती हैं अब अगर सोल की बात की जाए और हम सोल को देखें तो देखें स्टूडेंट्स सोल में क्या होता है कि तमाम की तमाम वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये सारी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और अट्रैक्ट करने की वजह से सोलेनॉइड विल कंप्रेस तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है जी की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन साइड वेन करंट पासिंग थ्रू इट इज तो स्टूडेंट जब भी सोलेनॉइड में से करंट पास होता है लेट से ये सोलेनॉइड आपके पास ये इसका एक्सेस है और इसमें से जब भी करंट पास होगा ऐसे करके तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इनसाइड वो इस तरह से बनेगी तो अब अगर आप ये देखें कि ये एक्सेस है और इन साइड आप फील्ड देखें तो सारी लाइन पैरल टू द एक्सेस तो इसका आंसर हो जाएगा पैरल टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ सोलनाइड ऑप्शन नंबर ए अच्छा जी नेक्स्ट सवाल है आपके पास के डिवाइस यूज टू एडजस्ट वोल्टेज लेवल्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के ट्रांसफॉर्मर अ टर्न रेशियो ऑफ मोर देन वन इज सेट टू बी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे बड़ी लोगों का वो चलता रहा था कॉन्ट्रोडिक्शन कुछ लोग कहते थे कि एन पी ओवर एन एस जो है वो टर्न रेशो के इक्वल है कुछ लोग इंक्लूडिंग मी कहते थे कि एन एस ओवर एन पी जो है वो टर्न रेशो के इक्वल है ठीक है तो ये बात लास्ट टाइम पेपर में उन्होंने क्लियरली मैंशन कर दी थी कि एन एस ओवर एन पी जो है वो टर्न रेशो है आप अगर क्वेश्चन पेपर निकालें तो उसमें प्रॉपरली मैंशन है तो एन एस ओवर एन पी ही टर्न रेशो होता है ठीक है तो अगर एन एस ओवर एन पी जो है वो ग्रेटर देन वन होगा तो इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अगर ये लेस देन वन होगा तो इट विल बी अ स्टेप डाउन अमर ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है ठीक है तो अगर इट इज मोर देन वन तो इट इज सेट टू बी अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट सवाल है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विल तो अभी मैंने आप लोगों को कराया था कि स्टेप अप में और स्टेप डाउन में ये फर्क होता है स्टेप अप पोटेंशियल को तो ज्यादा करता है लेकिन वो करंट को कम कर देता है और स्टेप डाउन पोटेंशियल को कम करता है लेकिन वो करंट को ज्यादा कर देता है ठीक है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विल इंक्रीज करंट ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट सवाल है कि फ्रिक्शन लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर आर ऑलवेज तो इसका आंसर है जीरो परसेंट उसका रीजन ये है कि देयर आर नो मूविंग पार्ट्स इन ट्रांसफार्मर और अगर ट्रांसफार्मर में कोई पार्ट मूविंग ही नहीं होगा तो फ्रिक्शन कैसे आएगी तो इसलिए फ्रिक्शन लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर जीरो नेक्स्ट है जी क्या डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एस जनरेटर। और मोटर क्या होती है मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है तो यह आप लोगों ने देखना है कि आपको क्या लिखा हुआ है तो यहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये हो जाएगा जनरेटर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो देखिए स्टूडेंट जनरेटर किस तरह काम करता है जनरेटर इस तरह से काम करता है कि फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ बनती है और ये कौन सा प्रोसेस है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जबकि मोटर इस तरह से काम करती है कि मोटर में वायर करंट कैरी करती है और करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है आई एल बी के इक्वल तो ये कौन सा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें पढ़ाया गया है कि हर मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगती है तो इसलिए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट सवाल है कि लेंसेस लॉ इज अ तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि फेरेडे लॉ इज अ क्वालिटेटिव लॉ क्वांटिटेटिव लॉ सॉरी क्योंकि फेरेडे लॉ में हम ई एम एफ फाइंड कर सकते हैं लेकिन लेंजेस लॉ इज ओनली अ क्वालिटेटिव लॉ क्योंकि इसमें हम सिर्फ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं लेकिन कोई मैग्नीट्यूड के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं देता तो लेंजेस लॉ इज अ क्वालिटेटिव लॉ और फेराडे लॉ इज अ क्वांटिटेटिव लॉ नेक्स्ट सवाल है कि अ फील्ड दैट कैन नॉट लीनियरली एक्सेलरेट अ चार्ज इज कॉल्ड एज तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है फील्ड है सॉरी यहां पर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर सकता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स कैन ओनली एक्ट परपेंडिकुलरली और परपेंडिकुलरली एक्टिंग फोर्स कैन ओनली चेंज डायरेक्शन तो वो डायरेक्शन तो चेंज कर सकती है फॉर एग्जांपल अगर चार्ज यहां पर आए तो वो यूं करके डायरेक्शन तो चेंज कर सकता है लेकिन लीनियरली एक्सेलरेट मैग्नेटिक फोर्स नहीं करा सकती तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मैग्नेटिक फोर्स नेक्स्ट है जी की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं वेस्ट टू ईस्ट इस तरह करके ठीक है आगे हमसे पूछा है कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा अब देखिए अगर फेस इस तरह से हुआ यानी कि फेसिंग वेस्ट तब भी फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर लेट से फेस हम ईस्ट की तरफ ले लें तब भी फ्लक्स मैक्सिमम होगा और अगर फेस नॉर्थ की तरफ हुआ यानी कि फेस इस तरह से फेस कर रहा हुआ तो फ्लक्स मिनिमम होगा यानी कि ये बात भी ठीक है ये बात भी ठीक है और ये भी ठीक है तो ऑल ऑफ दिस जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है कि क्या चार्ज क्यू इंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस ठीक है फ्रॉम थ्री आई प्लस फोर जे आफ्टर एंटरिंग इन टू द फील्ड इट विल अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है और चार्ज जो है वो है थ्री आई प्लस कर रहा है यानी कि अगर मैं ये पेपर बनाऊं तो पेपर में नेगेटिव जेड एक्सेस बनता है इनटू द पेपर तो फील्ड इस तरह से जा रही है और चार्ज जो है वो कहीं पेपर पे से इंटर कर रहा है कहीं से भी बेशक इंटर करे इधर से इंटर करे इधर से, से करे कहीं से भी करे तो चार्ज और फील्ड का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा नाइन्टी डिग्री और अभी हमने पढ़ा कि अगर एंगल 90 डिग्री हो तो फोर्स मैक्सिमम होती है और फोर्स मैक्सिमम हो तो पाथ क्या होता है सर्कुलर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए

और बी हमें दिया हुआ है फाइव टाइम पीरियड यहां पर हमें दिया हुआ है आ, कितना दिया हुआ है टू सेकेंड्स दिया हुआ है तो ये हो जाएगा टू पाए बाय टू इंटू टू इंटू फाइव ये टू इसके साथ गया और आंसर आ जाएगा टेन पाए वोल्ट्स तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट सवाल है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल कंटेनिंग टेन इज टेन एमपेयर पर सेकेंड देन द इंड्यूस ई अच्छा ये बहुत आसान है असल में हमें इसमें यह पता होना चाहिए कि इंड्यूस ई का फॉर्मूला होता है माइनस एल डेल्टा आई पी बाई टी अब यहां पर अगर म्यूचुअल है तो यहां पर क्या आ जाएगा एम आ जाएगा क्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी बा पर एम हमें टेन दिया हुआ है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी हमें टेन दिया हुआ है तो ये टेन हो जाएगा विच इज इक्वल टू हंड्रेड वोल्ट ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जी की फेराटे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंजेस लॉ आर बेस्ड ऑन तो स्टूडेंट्स ये दोनों लॉज जो हैं ये हैं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और किस तरह की एनर्जी असल में क्या होता है कि जब आप मैग्नेट या क्वाइल को मूव करते हैं तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इस तरह से लेंजेस लॉ या फेरेडी लॉ बने हैं नेक्स्ट है वेलोसिटी सेलेक्टर ओनली द इलेक्ट्रॉन हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकंड मैग्नेटिक फील्ड इतनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी सेलेक्टर में जो है वो सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं जिनकी वेलोसिटी का रेशियो इक्वल होता है ई बाय बी के यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगी वी इंटू बी के वी यहां पर है हमारे पास वन इंटू टेन पावर फोर और बी है हमारे पास टू तो ये हो जाएगा टू जीरो 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 ट्वेंटी थाउजेंड न्यूटन पर कूलम तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी थाउजेंड न्यूटन पर कूलम नेक्स्ट है जी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हैव यूनिट सिमिलर तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि चाहे आपसे मैग्नेटिक फील्ड का बोला हो चाहे आपसे फ्लक्स डेंसिटी बोला हो या चाहे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल है ये तीनों चीजें स्टूडेंट्स ए की है और ये किसका नाम है बी का ठीक है और बी का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास टेस्ला होता है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा सॉरी हैव यूनिट सिमिलर टू दैट ऑफ तो टेस्ला और टेस्ला इसका भी यूनिट है फ्लक्स डेंसिटी का भी और मैग्नेटिक इंडक्शन का भी यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक इंडक्शन का लफ्स लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है जी कि चार्ज पार्टिकल एंट्रिंग पर इनटू तो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टू अच्छा जी अब स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास नॉर्थ है ठीक है ये मेरे पास साउथ पोल है और एक चार्ज पार्टिकल इस तरह परपेंडिकुलरली आता है ठीक है तो अगर आप लोग इस पर फोर्स फाइंड करें तो आपको पता चलेगा कि ये इनवर्ड बेंड होगा यानी कि ये ना ही नॉर्थ की तरफ जाता है ना ही ये साउथ की तरफ जाता है इट मूव्स परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड तो ना ही ये नॉर्थ की तरफ जाएगा ना ही ये साउथ की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि वेबर इज अ यूनिट ऑफ तो स्टूडेंट्स वेबर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फेरेड होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो है वो हेनरी होता है सेल्फ इंडक्टेंस का भी जो है वो हेनरी होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो क्या होता है वेबर होता है तो वेबर इज एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट सवाल है कि फॉर इंड्यूसिंग ई एम एफ इन बेसिक रिक्वायरमेंट इज ठीक है तो ये है जी चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द क्वाइल क्यों क्योंकि देखिए अगर ये मैग्नेट पड़ा हुआ है और ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है तो फ्लक्स तो इसमें से पास हो रहा है फ्लक्स लिंकेज तो मौजूद है लेकिन टू तो प्रोड्यूस ईएमएफ मुझे इसको मूव करना पड़ेगा ताकि चेंज इन फ्लक्स हो और फेराडे के मुताबिक चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम विल प्रोड्यूस तो चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल नॉट द फ्लक्स नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय इतना एंड द चेंज इन करंट इज इतना अच्छा अब हम ये बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एन डेल्टा फाइव इज इक्वल टू एम डेल्टा आई या इसको ज्यादा अच्छे तरीके से इस तरह लिख देते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन में चेंज इन फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी क्वाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी क्वाइल यहां पे जब मैं इक्वल का साइन डालूंगा तो यहां पे मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट होता है क्या म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस सॉरी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल आ जाएगा एन डेल्टा फाइ एस डिवाइडेड बाई डेल्टा आई पी यहां पर जो है स्टूडेंट्स एन हमारे पास एक है क्योंकि हमें एक रिंग दिया हुआ है चेंज इन फ्लक्स हमारे पास टू इंटू टेन पावर माइनस टू है और करंट जो है वो हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो वन है या इसको मैं लिख सकता हूं टू इंटू टेन पावर माइनस टू डिडेड बाई वन इंटू टेन पावर माइनस टू तो ये हो जाएगा मेरे पास टू हेनरी जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पे हुआ स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर सिक्स है ये सॉरी टेस्ट सिक्स है उसकी एक्सप्लेनेशन खत्म इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीक अपने टेस्ट नंबर सेवन की डिस्कशन के साथ मिलेंगे थैंक यू